ये स्टूडेंट्स आप क्लास सिक्स आई एम गोइंग टू मेक यू राइट द लेफ्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर फाइव एंड आई हैव मेड यू रीटेक अप टू क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ सेक्शन सी ऑफ चैप्टर फाइव। मैंने लिखवा दिया है आपको चैप्टर फाइव के सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर थ्री तक कल। आज मैं क्वेश्चन नंबर फोर से शुरू करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फोर इज आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, प्लीज लिसन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर फोर इज डिफरेंशिएट बिटवीन फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। फिल्ट्रेट और रेसिड्यू के बीच अंतर बताइए। फिल्ट्रेट क्या होता है, रेसिड्यू क्या होता है, तो मैं समझा दे रहा हूँ। अगर किसी लिक्विड में कोई इनसॉल्युबल सॉल्यूट होता है और जब उसको हम फिल्टर पेपर से छानते हैं तो नीचे जो लिक्विड पास कर जाता है फिल्टर पेपर को वो फिल्ट्रेट हो जाता है और जो ऊपर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बचे रहते हैं उनको हम रेसिड्यू कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाय बनाते हैं, चाय में शुगर मिल्क टी विप्स डालते हैं, उसके बाद जब हम उसको छानते हैं तो छानने के बाद क्या होता है, चाय बाहर निकल जाती है जो लिक्विड है रूप में, वो तो फिल्ट्रेट हो गया और उसके ऊपर जो टी विप्स बच जाती हैं वो एसिडिक कही जाती हैं। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है आफ्टर फिल्ट्रेशन द क्लियर लिक्विड दैट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेशन के बाद, छानने के बाद जो साफ लिक्विड बाहर निकल जाता है, पास कर जाता है फिल्टर पेपर से, को पास कर जाता है, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। द पार्टिकल्स दैट कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड रिमेन बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर, और वो पार्टिकल जो फिल्टर पेपर को पास नहीं कर पाते और फिल्टर पेपर पे ही बचे रह जाते हैं और कलेक्टिवली कॉल्ड रेसिड्यू। उन सारे इनसॉल्युबल सॉल्यूट को जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं उनको हम रेसिड्यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव इज कैन अ लिक्विड डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक्सप्लेन। कह रहा क्या कोई लिक्विड किसी दिए हुए सब्सटेंस की कोई भी मात्रा एक निश्चित टेम्परेचर पे घुला सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। कहने का मतलब अगर वाटर है, वाटर का टेम्परेचर हम निश्चित रहने दें, तो क्या उसमें किसी सब्सटेंस, हम मान लीजिए शुगर ले लेते हैं या हम साल्ट ले लेते हैं, तो क्या शुगर की कोई भी मात्रा हम फिक्स टेम्परेचर पर घुला सकते हैं उस लिक्विड में? ऐसा नहीं होता। किसी लिक्विड में एक खास टेम्परेचर पे, मीन्स स्पेस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी दिए हुए सब्सटेंस की एक निश्चित मात्रा ही घुलाई जा सकती है, डिजॉल्व की जा सकती है। तो ये कहा है कैन लिक्विड डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी लिक्विड में किसी सब्सटेंस की कोई भी मात्रा घुलाई जा सकती है? तो ये हो गया नो, नहीं घुलाई जा सकती। तो आंसर है नो। अब इसको एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन ये किया गया है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो किसी लिक्विड में किसी सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है, घुलनशीलता है, उस लिक्विड के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा लिक्विड का तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी किसी सब्सटेंस की, उसमें अगर टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी मीन्स क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन लिक्विड। लिक्विड में जो किसी सॉल्यूट की जितनी मात्रा घुलती है उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड की तब तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो यही भी लिखा है कि नो, आंसर गया नो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज लिक्विड,
किसी लिक्विड में किसी सब्सटेंस की दी गई सब्सटेंस का जो कि सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तापमान पे। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर मोर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन इट। अगर हम उस सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दिए गए सब्सटेंस की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के दो पार्ट हैं। डिफाइन द टर्म ए डिकेंटेशन बी फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर सिक्स में ए है, ए का हमें क्या है, ए में डिकेंटेशन को डिफाइन करना है और बी में फिल्ट्रेशन को डिफाइन करना है। ये दो टर्म्स हैं डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। डिकेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट अ क्लियर लिक्विड फ्रॉम अ वेसल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। देखिए मैं ब्रैकेट लिखा है आफ्टर सेडिमेंटेशन, लिखा है सेडिमेंटेशन के बाद ना क्लियर लिक्विड को किसी दूसरे बर्तन में पोर आउट करने यानी ढालने की के प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन वह प्रक्रिया है जब हमारा सेडिमेंटेशन हो जाता है किसी लिक्विड में इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज, इनसॉल्युबल हैवियर जो सब्सटेंसेज होते हैं वो जाके पानी में नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जब सेडिमेंटेशन हो जाता है किसी लिक्विड के हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल जब बैठ जाते हैं बॉटम में तो उसके बाद पानी ऊपर क्लियर बच जाता है, तो उस क्लियर लिक्विड को जब हम दूसरे वेसल में पोर आउट कर देते हैं, ढाल देते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए बिना, तो क्लियर वाटर हमारा दूसरे बर्तन में हो जाता है। तो यही इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर लिक्विड इन लिक्विड फ्रॉम अ वेसल, एक बर्तन से क्लियर लिक्विड को पोर आउट मतलब ढालने की प्रक्रिया को आफ्टर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के बाद कहा जाता है डिकेंटेशन। आइए द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल, क्वेश्चन ये जो पार्ट बी है फिल्ट्रेशन, इसकी डिफिनेशन देखिए। फिल्ट्रेशन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर का प्रयोग करके, छन्नी का प्रयोग करके किसी लिक्विड से इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को अलग करने की प्रोसेस को, अलग करने के तरीके को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन वह तरीका है इसमें हम किसी फिल्टर का यूज करके किसी लिक्विड को उसके इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस से अलग कर देते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, लेसन नंबर चैप्टर 5 ऑफ योर साइंस टेक्स्ट बुक has been finished.